हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अभी रिसेंटली एयरफोर्स का रिटन एग्जाम जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसको दे चुके हैं और आपको उम्मीद है कि आप इस बार एक जो कट ऑफ है उस कट ऑफ को पार कर ले रहे हैं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ को भी पार कर लेंगे, प्लस साथ साथ में जो टोटल ओवरऑल कट ऑफ है वो भी पार कर लेंगे। वैसे अगर एक्स ग्रुप के कैंडिडेट्स की बात की जाए तो फिजिक्स और मैथ्स काफ़ी सरल रहा है, मेरी थोड़ा सा ऊपर जाने की उम्मीद रहेगी, जबकि वाई ग्रुप में रागा का पेपर टफ आया है तो शायद आपका मेरिट पिछले लास्ट टाइम से थोड़ा सा एक तो नंबर नीचे जाए। लेकिन अगर आपको उम्मीद है कि आप फेज टू में पहुंच सकते हैं तो अब आपके लिए वक्त आन खड़ा हुआ कि आप तैयारी करना शुरू कर दें। तो मैं अवनीश वाजपेयी आपको बताऊंगा कि ग्रुप फेज टू की तैयारी कैसे करें। इधर आप ग्रुप एक्स से बिलोंग करते हैं या ग्रुप वाई से, लेकिन फेज टू की तैयारी में आपको कोई भी अंतर नहीं है। आपको फेज टू में क्या करना मैं पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपका मैं आज आपको एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के बारे में बताऊंगा। जैसा आप सबको पता है कि भाई एयरफोर्स में आपको क्या करना है, फेज वन के बाद फेज टू में अपियर होना। तो आज मैं आपको इस सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के बारे में बताऊंगा, क्या आपको करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में बताऊंगा। साथ साथ में आपका कुछ इस तरीके के सवाल, जैसे कि भाई आपकी गर्लफ्रेंड है उसको एक नई जॉब मिल गई है, बहुत ज्यादा बिजी है, आप नेग्लेक्टेड फील करते, कुछ इस तरीके के साइकोलॉजिकल क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक सवाल जिनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला काम ये कर दीजिए भाई कि बहुत ढेर सारे आपको वीडियोस ऑलरेडी हमारी इस प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट को देखिए, हमारे तमाम ग्रुप डिस्कशंस भी पड़े हुए हैं बच्चों के, जिनको बहुत ढेर सारे बच्चों ने लाइक कर रखा है। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के भी बहुत ढेर सारे आपको यहां पर वीडियोज मिल रहे हैं, एक एक सवाल को देखिए और देखिए आपका संभावित जवाब क्या और मैं क्या उसका जवाब बता रहा हूं। राइट, तो आप सबके लिए बेहतर क्या होगा कि एक बार चैनल को बच्चा लोगों सब्सक्राइब जरूर कर डालो और उसके बाद आपका बेल आइकन भी दबा लो। लगातार मैं वीडियोज डालने वाला हूं सिचुएशन टेस्ट या फिर डीएफटी डायनेमिक फैक्टर टेस्ट को लेकर, साथ साथ में ढेर सारे ग्रुप डिस्कशन उसको लेके क्या करना चाहिए क्या नहीं और तमाम ढेर सारे सैंपल ग्रुप डिस्कशन। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और प्लेलिस्ट पे जरूर नजर बनाए रखना। राइट, तो चलो आते हैं आपका वर्कआउट। आप ग्रुप डिस्कशंस के लिए जरूरी इसेंशियल्स साथ साथ में एसआरटी की तैयारी कैसे करें इसके लिए आप हमारा ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, समझते हैं कि अडॉप्टेबिलिटी टेस्ट वन और अडॉप्टेबिलिटी टेस्ट टू, ये भाई एयरफोर्स के एक्स वाई एग्जाम में क्या होता है। तो आप सबको पता होगा ऑलरेडी कि अडॉप्टेबिलिटी टेस्ट वन में दो टेस्ट है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट जिसको आप एसआरटी टेस्ट या फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कहते हैं, साथ साथ में लास्ट ईयर से एक डायनेमिक फैक्टर टेस्ट को भी ऐड कर दिया गया। एसआरटी में आपको 45 क्वेश्चंस हैंडल करने होते हैं, जी हाँ 45 सवाल आपको करने होते हैं मात्र 30 मिनट में, और आपको ओमार मिलता है, उस पर आप पर्टिकुलर इन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस करते हो, ये बाइलिंगुअल फॉर्मेट में होते हैं। राइट, और आपको ये सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। इसमें कैंडिडेट्स की किन किन एबिलिटीज को देखा जाता है हम आपका लेटर ऑन इसको डिस्कस करेंगे, जबकि डायनेमिक फैक्टर टेस्ट एक तरीके से आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन और इंग्लिश ग्रामर का दोबारा से एक तरीके से टेस्ट है। 20 सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं, 15 मिनट मात्र आपको मिलता है, और इस अडॉप्टेबिलिटी टेस्ट वन के जो बच्चे क्लियर करते हैं इसको पास करते हैं अगले फेज में आते हैं उनको अडॉप्टेबिलिटी टेस्ट टू में पहुंचते हैं और वहां पर उनको फेज करना होता है ग्रुप डिस्कशन। तो आज हम अडॉप्टेबिलिटी टेस्ट वन में सिर्फ सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के बारे में बताएं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट या जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है 45 सवाल मात्र 30 मिनट में, क्या है ये सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। तो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट जनरली कैंडिडेट्स की जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है उसको जज करता है, साथ साथ में जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है कैंडिडेट्स का, राइट, वेदर दे आर सुटेबल, वेदर दे आर फिट टू द एयरफोर्स और नॉट, उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या, इन चीजों को जज करता है। साथ साथ में आपकी पॉजिटिविटी कितनी, थॉट्स में विचार कितने सकारात्मक है, इन चीजों को चेक करता है। तो ध्यान रखिएगा किसी भी सवाल का जवाब सही या गलत आपको किस आधार पर देना है, आपके जवाब सकारात्मक होने चाहिए, आपको नैतिकता का भी ध्यान रखना है, मॉरलिटी का भी ध्यान रखना है, साथ साथ में जवाब जो होने चाहिए वो संवैधानिक होने चाहिए, लीगल होने चाहिए। चलो आइए हम लोग यहां पर कुछ सवालों की प्रैक्टिस करते हैं।
बाकी इस तरीके के ढेर सारे वीडियोस आपको इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में ये पड़ा हुआ है वीडियो। तो आप लोग इस पूरे प्लेलिस्ट के सब वीडियोस को आपका देखिए और आप निश्चित तौर पर ये पक्का एग्जाम निकालोगे, क्रैक करोगे। सवाल है, यू आर अ टीम लीडर एंड टू ऑफ योर कलीग्स आर हैविंग अ स्ट्रेंड रिलेशनशिप विद ईच अदर। आप एक टीम लीडर हैं और आपके दो जो सहकर्मी हैं उनके बीच में आपस में सही संबंध नहीं है, उनके बीच में बड़ा ही स्ट्रेंड रिलेशनशिप है। अब क्या होता है, एज अ रिजल्ट दे आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग वेल इन ग्रुप एक्टिविटीज, हाउ विल यू हैंडल सच सिचुएशन। जब आपके सहयोगी जो आपके साथ काम कर रहे हैं और उनके जो आपस में रिलेशंस हैं वो बेहतर नहीं है, बट नेचुरल है कि वहां पर जो ग्रुप टास्क हैं वो जनरली क्या होंगे, प्रभावित होंगे। अब आप क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में, ये देखिए सवाल है। तो एक तो पहला जवाब क्या कह रहा, हाउ एम आई बॉदर्ड विद सच पिटी इश्यूज, मेरे को क्या फर्क पड़ता है ऐसे। तुरंत ऐसे सवालों का जवाब गलत। भाई आप क्या करोगे, आप टीम लीडर तो आपकी भूमिका यहां पर आती है, तो ए जवाब हो नहीं सकता कि भाई मेरे को क्या लेना देना ना। दूसरा ऑप्शन, यू विल मेक एन एक्सप्लिट एफर्ट टू हेल्प देम शेक हैंड, भाई उनके हाथ मिलवाने की कोशिश करोगे, पूरा प्रयास करोगे कि आपका उनके बीच में सब कुछ सही हो जाए स्पष्ट तरीके से ना। एंड तीसरा ऑप्शन, यू विल गिव देम कॉम्प्लीमेंट्री टास्क इन विच बोथ हैव टू वर्क टूगेदर, ऐसा काम पकड़ा दोगे इसमें दोनों साथ साथ काम करने ही तो अपने आप दोस्ती हो जाएगी, कुछ ऐसा करोगे क्या। या यू विल पनिश देम, पनिश करने की बात नहीं उठती। लीगल राइट, लीगल तरीका ढूंढना, तो ए और डी अपने जवाब से हटा दीजिए, बी और सी में चेक कर लीजिए एंड करेक्ट आंसर जो है आपका डी स्टूडेंट्स ये हो जाएगा, यू विल मेक एन एक्सप्लिट एफर्ट टू हेल्प देम शेक हैंड्स। आप उनको मिलाने में, उनके बीच में जो गलत फहमियां उनको दूर करने में आप क्या करेंगे, मदद करेंगे, और ऐसा होने पर आप अपनी टीम के उद्देश्यों को पूरा कर पाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। इस सवाल में क्या है, इफ समवन अप्रोचेज यू विद एन ऑफर ऑफ गिविंग आउट ऑफ द सीक्रेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यू वर्क इन, कोई आपको प्रलोभन देता कि भाई जिस संगठन में आप काम कर रहे हो उसके सीक्रेट्स बता दो। तमाम आपने चीजें सुनी होंगी ना, तमाम आपका लोग क्या है संगठन की जानकारियां दूसरे को दे देते हैं, और क्यों, इन एक्सचेंज फॉर अ हायर पोजीशन इन अदर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा आपसे बोलता कि भाई आपको ऊंची पोस्ट पर रख लेंगे, आप अपने यहाँ की जानकारियां दे दीजिए। तमाम रक्षा सेवाओं में भी इस तरीके की दुर्भाग्यपूर्ण आपका हमें न्यूज मिलने लगती है कि फला फला ने आपका इस तरीके की इंफॉर्मेशन दे दी। राइट, देश के साथ कोई समझौता नहीं, तो अब यहां पर वही चीज लगाइए, कोई समझौता नहीं। आप इस तरीके के प्रपोजल्स पर क्या करेंगे कि आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में आ जाइए, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आ जाइए, मैं आपको ज्यादा ऊंची नौकरी दूंगा, बस आपको अपने पिछले वाले ऑर्गेनाइजेशन जिसमें अभी आप काम कर रहे हो उसकी जानकारियां देनी पड़ेंगी। तो बी इन ए स्टेट ऑफ डिलेमा, आप दुविधा में आ जाओगे क्या, आस्क फॉर टाइम टू थिंक, या समय लोगे सोचने के लिए, या इमीडिएट से यस या इमीडिएटली से नो। तो जवाब यहां पर मेरे डियर स्टूडेंट प्यारे यहां पर समझ जाइए, आपको कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, कोई भी सोचने का समय नहीं चाहिए, यस करने की तो बात ही नहीं उठती है। जवाब सीधा आपका कहिए भाई नहीं, समा क्षमा चाहेंगे, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि जिस संगठन में आप काम कर रहे हो उसके प्रति आपको लॉयल होना ही पड़ता है। एंड अगला सवाल, इफ योर फ्रेंड आस्क फॉर सम मनी फ्रॉम यू, यू विल, अगर आपका मित्र आपसे पैसा मांग रहा है आप क्या करोगे। आपने कहावत तो सुनी होगी ना, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इनडीड, राइट। तो अब यहां पर क्या करोगे, मित्र ने पैसा मांगा है, सवाल पर ध्यान दीजिएगा, मित्र सब मित्र नहीं होते, कुछ ही मित्र होते हैं, राइट। रिफ्यूज टू गिव, मना कर दोगे। अगला ऑप्शन कह रहा, आस्क फॉर व्हाट पर्पस द मनी इज रिक्वायर्ड, या पर्पस पूछोगे देन डिसाइड करोगे, या फिर हम आगे बात करें तो इमीडिएटली गिविन द मनी विदाउट इंक्वायरीज अबाउट द पर्पस, बगैर उद्देश्य पूछे हुए आप सीधा क्या करोगे कि कहोगे हाँ भाई ठीक है हम जो है ना आपको दे दे रहे जो भी पर्पस हो, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट वन है आपका नन ऑफ दीज, तो अब ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो, पैसा तो आपको देना ही देना है, आप बस ये कह दो कि भाई ठीक है मैं क्या करूंगा, मैं पर्पज पूछ लूंगा और पैसा दे दूंगा, राइट। कहीं उड़ाने तो नहीं जा रहे, बस इतना पूछ लूंगा और पैसे उसको दे दूंगा, बिकॉज क्या, ही इज माई फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है डियर स्टूडेंट्स, 14वां, इन अ बस यू रियलाइज दैट समवन हैज लेफ्ट हिज और हर वैलेट, यू विल, कोई अपनी पर्स गिरा गया, कहीं पर भी गिरी हुई कोई चीज मिल जाए तो ये भिखारी को पैसा दे दोगे, गिव द मनी टू द बेगर, हैंड इट ओवर टू द बस कंडक्टर को दे दोगे, या ट्राई टू फाइंड हिज और हर कॉन्टेक्ट नंबर एंड इन्फॉर्म द ओनर, लीव द वॉलेट एज इट इज, या पर्स को ऐसे छोड़ दोगे, या भाई पर्स को उसके मालिक तक पहुंचाने की कोशिश करोगे। तो जवाब सी दे लीजिए,
सी कह रहा है ट्राई टू फाइंड हिज हर कॉन्टैक्ट नंबर एंड इन्फॉर्म द ओनर, कोशिश करिए वो पर्स किसी तरीके से उस तक पहुंच जाए, उसका नंबर देखो, पर्स में कोई ऐसा सुराग मिल जाए जिससे आप उस व्यक्ति तक पहुंच सको, राइट, नहीं तो आप जाके पुलिस स्टेशन में दे आइए। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल आपका हमारा 15वां नंबर का सवाल, यू हैव मेड सम सिली मिस्टेक्स व्हिच हैव बीन पॉइंटेड पुट टू यू, यू विल, आपने कुछ ऐसी गलतियां कर दी हैं ना जो अब आपकी तरफ पॉइंट आउट की जा रही है, बहुत ही सिली मिस्टेक कर दी, राइट, मान लिया तुमको 2+2 जोड़ना था, तुमने 22 कर दिया ना 4 लिखने के बजाय, तब क्या करोगे भाई इसको, आप लॉफ इट अवे, गेट एंग्री, फील माइजरेबल या फील थैंकफुल, तो भाई ऐसी गलतियों को हंस के उड़ा दोगे या गुस्सा हो जाओगे या क्या करोगे, तो जनरली जब ऐसी गलतियां आपके सामने कोई ला दे, मैं एज अ बीइंग अ टीचर जब कभी स्टूडेंट्स की ऐसी गलतियां आपके सामने निकाल के लाता है तो यू शुड फील थैंकफुल यार कि हमारी ऐसी सिली मिस्टेक्स चलो पकड़ में तो आई ना। चलो अगले सवाल की बात कर लेते हैं, अगला सवाल हमारा कौन सा आता है और ये सवाल नंबर हमारा 16वां, योर क्लासमेट्स हु गॉट यू इन अ फिक्स रिसेंटली विद अ टीचर हैज मेट विद एन एक्सीडेंट यू, कोई आपका ऐसा मित्र जिसने आपको ना टीचर के साथ कुछ फंसा दिया, किसी तरीके से पकड़ लिए गए और आप जो है उसका एक्सीडेंट हो गया, अगर उसका एक्सीडेंट हो गया तो क्या करोगे आप, क्या करोगे भाई, कैरी ऑन विद इज लाइफ अनएफेक्टेड, जैसा है चल रहा था वैसे चलते रहने दोगे, कोई आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, फील दैट गॉड टॉट हिम हर लेसन, सोचोगे यार भगवान ने बहुत अच्छा किया, कम से कम उसको मजा चखाई है ना, हमको आपका फंसा रहा था, डिसाइड टू विजिट हिम हर हॉस्पिटल, उसको देखने जाओगे अस्पताल में, या टेल अदर्स दैट दिस इज द वे वन सफर्स फॉर मेकिंग अदर्स सफर, आप बताओगे दूसरे, अगर कोई दूसरे परेशान करता तो इसी तरीके से भगवान भी आपको उसको परेशान करते, नहीं भाई तुम्हारा आपका क्लासमेट है, अगर कुछ एक्सीडेंट उसका हुआ है तो क्या बनता है, अब यहां पर मोरालिटी नैतिकता की बात हो रही है, आप कहां जाएंगे अस्पताल में जाएंगे। अगले सवाल पर चलिए आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, और ये 17वां नंबर का सवाल है, आफ्टर द परचेज द शॉपकीपर रिटर्न्स रुपीज 100 एक्स्ट्रा टू यू, बेमानी बिल्कुल भी आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए, ट्रीट योर फ्रेंड्स टू लंच, मित्रों को उस पे पैसा दोगे, खिलाओ पिलाओगे उनको, ऑफर रुपीज 20 एट टेम्पल एंड प्रे फॉर मोर सच इंस्टेंस, बाई अनदर एंड होप ही विल गिव अनदर रुपीज 100 एक्स्ट्रा, दोबारा खरीदोगे और सोचोगे 100 दोबारा से दे दे, रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी टू द शॉपकीपर, नैतिकता की बात भूलिएगा मत, नैतिकता, जवाब आपका कौन हो गया डी, राइट। आगे आ जाते हैं, एक और सवाल लेते हैं, 18वां सवाल यहां पर ये रहा, योर फ्रेंड हैज लॉस्ट हिज और हर पर्स विद योर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन इट, तुम्हारे आपका मित्र ने एक पर्स खो दी जिसमें तुम्हारे जो है क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बैग तुम्हारा था डॉक्यूमेंट से भरा हुआ, तुम्हारा मित्र लेके जा रहा था उसने गिरा दिया, क्या करोगे, फील एंग्री बट डू नॉट रिएक्ट एज एनी वन कैन मेक मिस्टेक्स, गुस्सा तो होगे लेकिन आपका क्या होगा, कहोगे चलो कोई बात नहीं गलती तो सबसे हो जाती है, फील एंग्री एंड आस्क हिम हर टू रिप्लेस डुप्लीकेट द डॉक्यूमेंट, कहोगे नहीं मेरे डॉक्यूमेंट लाओ ये करो फलाना ढकरो ना, जनरली यही होता है ना, जनरली जो होता है वो नहीं करना, यहां पर आपको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में बाहर हो जाओगे, समझे, अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड टेल हिम आर हर दैट इट्स ओके नॉट टू वरी अबाउट इट, उससे कहोगे यार कोई बात नहीं ठीक है ओके चिंता मत करो, ब्लेम हिम आर हर फॉर बीइंग केयरलेस, बोलोगे अरे यार तो बहुत लापरवाह है, एंड स्टॉप टॉकिंग टू हिम आर हर, यही होता है जनरली आप उससे बात बात करना बंद करोगे, चूंकि आपका मित्र था, गलतियां सबसे हो जाती हैं, आप गलती को आपका यहां पर क्या करोगे भाई क्षमा करोगे, यही सोचोगे कुछ भी रिएक्ट नहीं करोगे और बोलोगे भी गलती हो जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला सवाल आपका आता है और ये 19वां नंबर का सवाल है, योर बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हैज गॉट अ न्यू जॉब एंड इज टू बिजी, आपकी गर्लफ्रेंड है उसको नई जॉब मिल गई कहीं पर, उसने जॉब पकड़ लिया और बिजी हो गई यार जॉब में, यू विल फील नेग्लेक्टेड, अब तुम्हें लगेगा अभी तक जो तुम मुझको टाइम देती थी मिलने आती थी रोज अब तो नहीं आ रही, अब क्या तुम करोगे, You develop an uncaring attitude towards him or her. उसके ना आपका एटीट्यूड बदल जाएगा, अनकेयरिंग हो जाओगे, यू इंडल्ज इन सेल्फ पिटी एंड फाइंड फॉल्ट्स विद योरसेल्फ, खुद में आपका अपने गलतियां ढूंढने की कोशिश करोगे, बिल्कुल दया के भाव ना, बिल्कुल आपका एक तरीके से वो कहते हैं जिसको कि भाई आप ना एक तरीके के ऐसे बन जाओगे देवदास टाइप वाली सिचुएशन में आ जाओगे क्या, यू डिसाइड यू कैन नॉट एडजस्ट एंड देयरफॉर थिंक ऑफ सेपरेशन, कहोगे नहीं भाई मेरे से एडजस्ट नहीं हो रहा चलो हम तुम आपका अलग अलग हो जाते हैं, नहीं हाँ You talk and work it out and ना so that both adjust with the time, आपको यही करना चाहिए भाई, उसकी जॉब लगी हुई आपको एडजस्ट करना पड़ेगा टाइम, राइट, जवाब डी देने में कोई दिक्कत नहीं, एक बार बस पढ़ना और जवाब दे देना। आते आगे सवाल पर, 20वां सवाल, All the hard work done by you is hijacked by your boss and the brickbats are left for you, you will
तो भाई सारा जितना आपने काम किया, हार्डवर्क किया, तुम्हारे बॉस ने उसको हाईजैक कर लिया ना, कहते हैं ना काम दूसरे का, उस पर मोहर अपनी ठप्पा लगा दिया। तो लीव द जॉब एंड लुक फॉर ग्रीनर पास्चर्स, लर्न टू मेक राइट मूव्स एट द राइट टाइम, सही समय पर सही कदम उठाना सीखना शुरू करोगे। स्टार्ट प्रेजिंग योर सेल्फ फॉर ऑल द अचीवमेंट्स, या ऑफिस बताओगे यार किया तो मैंने ही था, बस बॉस ने ना इसको ले लिया। कॉन्टिन्यू एज हार्ड वर्क ऑलवेज पे, कॉन्टिन्यू रखोगे हार्ड वर्क करना, क्योंकि हार्ड वर्क कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, हमेशा पे करता है। तो जवाब आपका यही है, जवाब आपका डी है, कंटिन्यू, राइट। कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपके ऊपर, बॉस ने हाईजेक कर लिया, कोई बात नहीं, अगली बार तुम्हारा नंबर आएगा, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के साथ तो डियर स्टूडेंट्स करना क्या भाई, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा देना, और रोज आपको एक वीडियो मिलने वाला है एसआरटी के ऊपर, साथ में जीडी में क्या करें, आपको डीएफटी में क्या करना है, और हमारे आपका यहाँ पर मॉक जीडी भी जरूर देखना, इस प्लेलिस्ट में जाना, मॉक जीडी भी देखना। कोई दिक्कत हो तो आपका यहाँ पर मैसेज करना, व्हाट्सएप करना, 8765011666 ये नंबर है, राइट, नंबर याद रखना। जम के करो मेहनत, और इस बार हिला के दिखा दो लंका, आपको फतेह करनी है हर हालत में। जय हिंद, जय भारत।